अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में शनिवार को ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 मरीजों की मौत के मामले में जांच कमेटी तथ्य जुटा रही है। मालूम हो कि डिप्टी कमिश्नर ने इस मामले में 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। महकमा फौरन हरकत में आया था और उसने अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। सोमवार को अस्पताल मैनेजमेंट को जांच के लिए तलब किया गया था। मरने वाले मरीजों के परिजनों ने संस्कार आदि की रस्में पूरी करने के बाद ही पेश होने की मजबूरी बताई थी। इस मामले को शासन प्रशासन ने पूरी गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित की थी, जिसके नोडल अफसर स्थानीय निकाय विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रजत ओबेरॉय बनाए गए थे। जांच कमेटी में सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि नीलकंठ अस्पताल में दाखिल कोरोना के मरीजों समेत 6 की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई थी। इनमें से 3 मरीज अमृतसर, 2 गुरदासपुर और 1 तरन तारण का था। देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते कई जगह से मरीजों के दम तोड़ने की खबरें भी आ रही थी। इस दौरान 2 दिन पहले शनिवार को अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भी 6 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत होने का मामला सामने आया था। दिल्ली से एक महत्वपूर्ण पंजाब से जुड़ी खबर सामने आई है। लाल किला हिंसा के मामले में आरोपी एक्टर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सोमवार को एक और मामले में जमानत दे दी है। मालूम हो कि दीप सुखदेव को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी, दिल्ली के एक स्थानीय अदालत ने दूसरे मामले में उनको जमानत दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग की ओर से 26 जनवरी के हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर दर्ज मामले में फिर से सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट के आदेश अनुसार सिद्धू को हर महीने की 1 और 15 तारीख को अपने मामले के जांच अधिकारी को फोन करके अपनी लोकेशन बतानी होगी। साथ ही सिद्धू को जब भी बुलाया जाएगा उनको जांच में शामिल होना पड़ेगा। निचली अदालत में सुनवाई पर भी मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही कई और हिदायतें अदालत की ओर से आरोपी सिद्धू को दी गई है। दिल्ली से एक महत्वपूर्ण पंजाब से जुड़ी खबर सामने आई है। लाल किला हिंसा के मामले में आरोपी एक्टर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सोमवार को एक और मामले में जमानत दे दी है। मालूम हो कि दीप सुखदेव को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी, दिल्ली के एक स्थानीय अदालत ने दूसरे मामले में उनको जमानत दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग की ओर से 26 जनवरी के हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर दर्ज मामले में फिर से सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट के आदेश अनुसार सिद्धू को हर महीने की 1 और 15 तारीख को अपने मामले के जांच अधिकारी को फोन करके अपनी लोकेशन बतानी होगी। साथ ही सिद्धू को जब भी बुलाया जाएगा उनको जांच में शामिल होना पड़ेगा। निचली अदालत में सुनवाई पर भी मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही कई और हिदायतें अदालत की ओर से आरोपी सिद्धू को दी गई है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितेशी न्यूज़।